नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, यह अक्सर देखा जाता है कि सभी चुनावों के खत्म होने के बाद कई न्यूज चैनल्स और एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल जारी किया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है या कौन सी पार्टी चुनाव हार रही है। वास्तव में यह नतीजे आने से पहले आंकड़ों का एक अनुमान होता है। सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नज़र नतीजे आने से पहले आने वाले रुझानों यानी एग्जिट पोल पर टिकी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह एग्जिट पोल होता क्या है और इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है एग्जिट पोल और इसे कैसे तैयार किया जाता है। दरअसल, चुनाव वाले दिन जब मतदाता मतदान करके बाहर आते हैं तो उनसे बात करके उनके मन को टटोलने की कोशिश की जाती है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि मतदाता किस राजनीतिक पार्टी को अपना कीमती वोट देकर आया है। वोटिंग के दिन जुटाए गए आंकड़ों को आधार बनाकर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। जब मतदान कई चरणों में होते हैं तो आखिरी चरण के मतदान समाप्त होने के बाद ही पोल दिखाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरी चरण के मतदान के बाद ही एग्जिट पोल क्यों दिखाया जाता है। वास्तव में चुनाव खत्म होने से पहले एग्जिट पोल दिखाने की वजह से मतदाताओं के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। वोटर्स के ऊपर किसी तरह का दबाव ना पड़े, इसके लिए मतदान खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल दिखाया जाता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126A के मुताबिक मतदान के दौरान कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वोटर्स पर किसी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सके या उनके वोट देने के फैसले को प्रभावित कर सके। यही कारण है कि एग्जिट पोल मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि सबसे पहले एग्जिट पोल कब और कहां जारी हुआ था। ऐसा माना जाता है कि साल 1967 में नीदरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। नीदरलैंड के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनीतिज्ञ मार्सेल वांडेन ने अपने देश में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल किया था। हालांकि यह भी माना जाता है कि इसी साल अमेरिका में एक राज्य के चुनाव में एग्जिट पोल जारी किया गया था। अब हम बात करेंगे कि क्या एग्जिट पोल हमेशा सच साबित होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है नहीं, एग्जिट पोल हमेशा सही साबित नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण है वोटिंग के दिन डेटा कलेक्शन में कुछ कमियां रह जाती है। वास्तव में जब एक मतदाता से बात किया जाता है तब कई मतदाताओं से बात नहीं हो पाती है, इस कारण सही आकलन नहीं हो पाता है। एग्जिट पोल कभी कभी सही साबित भी होते रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जिट पोल से एक अनुमान मिल जाता है कि संपन्न हुए चुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है या कौन सी पार्टी चुनाव हार रही है। एग्जिट पोल असली परिणाम नहीं होता है, असली परिणाम तो नतीजे वाले दिन ही पता चल पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।